आपको लगता है कि भाजपा ने झूठ बोला था? लेकिन अगर गंगाजल इंडिया पोस्ट देता है, तब तक भिजवाता है, सेवा देता है, एक सेवा देता है तो सेवा पर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? मतलब वो एक अलग बहस है कि लग रहा था आपके उठाने के बाद अब नहीं लगता, लेकिन अगर एक सेवा दी जा रही है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है तो इसमें इशू क्या है? आप बहुत पैसे वाले मालूम पड़ते हैं। 18% टैक्स गंगा जल पर, वो गंगा जो अविरल है, वो गंगा जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो गंगा जिससे हर अनुष्ठान बिना उसके पूरा नहीं हो सकता, उस पर 18% टैक्स लगाने वाले धर्म के ठेकेदार कैसे बन जाते हैं? और अगर आपने टैक्स लगाया तो मानिए कि लगाया, झूठ क्यों बोला? मुझे इससे बड़ी तकलीफ है। आपने पहले तो टैक्स लगाया, फिर आपने अपना झूठ छुपाने के लिए लगातार झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी एक काम नहीं करती है, उसके आप सब लोग साक्षी हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, और डंके की चोट पर यह बात कहते हैं कि ना मेरे नेता राहुल गांधी ना हमारे अध्यक्ष, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं। तो अगर कोई हमें कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर हम उनकी कलाई खोलकर ही दम लेते हैं, और ये सारी चीजें आपको दिखाना आपकी कलाई खोलने का, उनकी कलाई खोलने का काम था। आपने कहा कि इंडिया पोस्ट भेजता है, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रही हूं, इंडिया पोस्ट से अगर 30 रुपए की बोतल भी बिक रही है वहां पर तो 35 की क्यों बिकेगी जीएसटी लगाकर? और अगर बेच रहे हैं तो स्वीकार करिए कि आप टैक्स वसूली कर रहे हैं भगवान के नाम पर भी। आप कह रहे हैं पूजा सामग्री में, भैया सीबीआईसी की वेबसाइट पर तो कहीं गंगा जल का विवरण नहीं है, निल में, निल जीएसटी में कहीं नहीं है। गूगल करिएगा, सीबीआईसी की वेबसाइट पर जाइएगा, कंट्रोल एफ करिएगा, गंगा जल ढूंढिएगा, आपको नहीं मिलेगा। पूजा सामग्री करिएगा, ये 10 चीजें आपको मिल जाएंगी जो मैंने यहां पर दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ किया है तो उसको स्वीकारिए, दम लोके बोलिए हाँ हमने किया, झूठ क्यों बोल रहे हैं? और दूसरा, मुझे लगता है कि इतना अनवरत मिलने वाला गंगा जल पे 18% टैक्स, ये शायद श्रद्धा के साथ एक भद्दा मजाक है। जी मैं सोमनाथ संवाद प्रतिनिधि बंगाल से। सच झूठ या ठगने वाला बात सब आपका बात मैंने मान लिया, लेकिन आज 2023 में हम हैं यहाँ पे, लेके कोई पार्टी धर्म को लेके पॉलिटिक्स करता है, आप यहाँ पे बैठ के उसी टाइप का पॉलिटिक्स धर्म को लेके कर रहे हो, 2023 में खड़े होके ये कितना मतलब ठीक लग रहा है? क्या नाम बताया था आपने? सोमनाथ रॉय, संवाद प्रतिनिधि बंगाल। सोमनाथ जी, मैंने धर्म पर न कभी राजनीति करी है और ना कभी करूंगी, और दम है इस बात का कि मेरी पार्टी भी ये काम नहीं करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ये साबित करने के लिए कर रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, और जब उन्होंने कहा कि मेरे अध्यक्ष ने गलत खबर चलाई थी तो मैं साबित करना चाहती हूं कि वो झूठ बोलते हैं। ये धर्म की बात नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़, झूठ बोलना, टैक्स लगाना, उसको विड्रॉ कर लेना और फिर यह साबित करना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने कहा कि यह हमारी बहुत बड़ी जीत है कि सत्य के कारण हमने घुटने टेकवाए, भारतीय जनता पार्टी को गलत को सही कराया, भूल में सुधार कराया। यह कांग्रेस के सच की ताकत है। मैडम जिसने ये ट्वीट किया उसको आप ये पत्र जरूर दिखा दीजिएगा, ये जिसको भी किया है, झूठ बोलते हैं, झूठ सिर्फ प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, मंत्री भी झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री भी झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री तो बोलते बोलते ये बोल गए कि पहला IIT एम्स और IIM भाजपा ने बनाया है। अरे आपकी पैदाइश के पहले नेहरू बना के चले गए थे, छोड़िए उस बात को मैडम। ये चिट्ठी अभी मैं बोल रही हूं, अभी बोल नहीं चुकी हूं। ये जो चिट्ठी है ये GST अथॉरिटी ने रिलीज करी है, 12 अक्टूबर की चिट्ठी, और साफ तौर से कह रही है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का विथड्रॉ किया जाए। यह इंडिया पोस्ट की ट्वीट है जो कह रही है 18% जीएसटी लगेगा, तो कौन इसमें झूठ बोल रहा है? यह इंडिया पोस्ट से ऑर्डर करके 18% जीएसटी अंकित है, झूठ कौन बोल रहा है? झूठ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बोलती है। यह सारे साक्ष्य अगर झूठे हैं, इन सब लोगों को बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन झूठ नहीं है, झूठ सरकार बोल रही है। मैडम सीबीआईसी की वेबसाइट में मुझे ढूंढकर बता दीजिए ना गंगा जल कहीं पर। जी
कई पूजा सामग्री आपने दिखाए जो दुर्लभ है, मुश्किल से उपलब्ध होता है, वो सभी जीएसटी से मुक्त है। और दुर्लभ है, इसमें से कोई भी नहीं, दुर्लभ नहीं है। जैसे जैसे रुद्राक्ष वगैरह आसानी से उपलब्ध नहीं है, वो जीएसटी से मुक्त है, लेकिन जो गंगा जल गौमुख से लेके कलकत्ता तक सरल उपलब्ध है, उस पर जीएसटी लगाने के पीछे क्या मंशा सरकार का रहा होगा? नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो गंगा जल इंडिया डाक के थ्रू मिलता है वो सिर्फ गंगोत्री का ही मिलता है, क्योंकि वहां से गंगा जी का उत्थान हुआ है, तो शायद उन्होंने अब चेंज कर दिया। पहले ऋषिकेश और गंगोत्री का मिलता था। मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई भी चीज दुर्लभ है। ये सब पूजा में हर व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है, मैं तो अपने घर के मंदिर से उठा के ले आई। दुर्लभ आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजों पर अगर आपने जीएसटी कर मुक्त किया तो गंगा जल पर आप जीएसटी क्यों लगा रहे थे? और अगर लगा रहे थे तो दम रखिए स्वीकारने का कि हाँ हम लगा रहे थे, अब हम उसको हटा रहे हैं। इतना आक्रोश हुआ, हमारे आक्रोश हमारे भांडा फोड़ने के बाद आप हटाते हैं और सामने वाले को झूठ कहते हैं, मतलब ये तो गजब बात है। झूठ भी आप जीएसटी भी लगाएंगे, आप जीएसटी हटाएंगे भी, आप झूठ भी बोलेंगे, और फिर जिसने आपको झूठ बोलना आपका पर्दाफाश किया वो झूठा है। ये कौन सी प्रणाली है, ये समझ में नहीं आती। और कोई सवाल इस पर? कोई और सवाल जी पूछे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आई थिंक हम अभी फैसला पढ़ रहे हैं और जब हमारा उस पर अध्ययन हो जाएगा तो हम इस पर बिल्कुल अपना स्टैंड बताएंगे। सुप्रिया जी, स्टेटमेंट आया शशि थरूर साहब का, जिनमें जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां तक प्रधानमंत्री चुनने का सवाल है, अगर पार्टी बैठ के फैसला लेगी पर मोस्ट लाइकलीहुड या तो खड़गे साहब होंगे, पहले दलित प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं तो राहुल गांधी होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक फैमिली रन पार्टी है। और बहुत क्लैरिटी से उन्होंने ये बात कही है, जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या ये माने कि कांग्रेस की एक फैमिली रन पार्टी? कांग्रेस का कोई नेता झूठ बोलता नहीं, शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी परिवार चलाते हैं। कांग्रेस के नेता होने के नाते कोई कुछ भी कह सकता है? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जैसा उनको लग रहा है वो कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मुद्दा ही नहीं है। 2024 के चुनाव में जाते हुए मुद्दा है कि बेरोजगारी कैसे कम होगी, मुद्दा है महंगाई कैसे कम होगी, मुद्दा है अडानी की जांच कब होगी, मुद्दा है 5 महीने बाद जलते हुए मणिपुर, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार के साथी जो इजराइल पहुंच गए वो मणिपुर कब पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री को विश्व भर की चिंता है अपने राज्य मणिपुर कब जाएंगे। मुद्दा ये है, मुद्दा ये कोई नहीं है कि कौन क्या कब बनेगा। मुद्दा यह है कि 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के दंभ और अहंकार को कैसे चूर किया जाएगा, उनके दंभ और अहंकार में जब एजेंसियां उनके घटक दल बन चुके हैं उसके बावजूद हम उनको कैसे शिकस्त देंगे, और कैसे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की, अडानी की जांच की, मणिपुर के हिंसा को खत्म करने की बातें, आर्थिक असमानता को पटाने की बातें करेंगे। मुद्दा यह है, मुद्दे से विषयांतर ना होइए। एक मिनट, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया सुप्रिया जी। मैं पूरा जवाब दिया, मैं बस ये कह रही हूँ आप बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। शशि थरूर कांग्रेस के एमपी हैं। ये कहकर आप मुझे खुश नहीं कर दीजिएगा और मैं कुछ और नहीं बोल दूंगी। मैंने नहीं दे दिया आपको। नहीं, पर इस पे आप आई विल से ऑन दिस मैटर। थैंक यू मौसमी। मैम, yesterday a delegation of opposition leaders have met the Palestinian envoy and they have expressed their they have gone to the Palestine embassy and they have expressed their solidarity, but after that they have released a statement in which they said that whatever Israel is doing, that is basically a genocide. So what is the stand of the Congress party on this? I think the Congress party stand has been made very clear and I don't need to keep reiterating it from every platform. I think the question that should be asked is that what is the stand of the government of India? Because quite interestingly, the government of India's stand is absolutely a mirror stand of what the Congress party's own stand is. However, the Prime Minister's tweets were very different from the government of India's stand. So I think the question that you need to ask is that why is the Prime Minister speaking to an audience which applauds him, वो भक्त मंडली को संबोधित करने के बजाय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है उसको क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जो सरकार का, जो भारत सरकार का स्टैंड है वो कांग्रेस के स्टैंड से बिल्कुल मिलता जुलता उसका प्रतिबिंब है।
मैम जो राज्यों के जहां चुनाव होने हैं वहां पर मिजोरम से लेकर के तमाम राज्यों के आपने सब जगह पहली सूची जारी कर दी, मिजोरम के 40 के 40 कैंडिडेट जारी कर दिए, नवरात्रे के पहले दिन 3 राज्यों को जारी किए, लेकिन राजस्थान एक बड़ा स्टेट है वहां पर अभी तक जारी नहीं कर पाए। गौरव गोगोई ने यही मंच से कहा था कि सिटिंग गेटिंग फार्मूला नहीं होगा, जिताऊ फार्मूला होगा, तो क्या सिटिंग गेटिंग फार्मूला नहीं होगा यानी विधायकों के टिकट कटेंगे, इस नाराजगी के चलते देरी हो रही है? ना मैं स्क्रीनिंग कमिटी में हूं और ना मुझे कोई ज्ञात है कि क्या फार्मूला लगेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारा सिंगल पॉइंट फोकस वहां पर सरकार बनाना है और जो अच्छे काम हमारी सरकार ने वहां पर किए हैं उसको बरकरार रखना है। कल सीईसी है और उसके बाद नाम जारी हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में चुनाव 25 तारीख को है, बाकी जगहों पर थोड़ा पहले है, 7 और 17 को है। जी हाँ, जा रहा है कि गंगा की सफाई भी चाहिए और गंगा की सेवाएं भी चाहिए, तो जीएसटी से विपक्ष को ही आपत्ति है, आम जनता को नहीं। बीजेपी नेता कौन कह रहा है ये? नंदकिशोर गुर्जर, बीजेपी के विधायक, जिनसे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई चाहिए, सेवाएं भी चाहिए, लेकिन जीएसटी से बड़ी आपत्ति है आप लोगों को। गंगा किसी की बपौती तो है नहीं, गंगा इस देश में आस्था का प्रतीक है, तो हाँ गंगा साफ भी चाहिए और गंगा जल भी चाहिए, और वो अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि क्या वो पक्ष में है 18% जीएसटी के। अगर है, वो है पक्ष में, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उसकी उनकी सरकार ने हमारे विरोध के बाद जीएसटी चुपचाप धीरे से विड्रॉ कर लिया ऑर्डर। तो जिनका आप नाम ले रही हैं वो अपनी ही मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे आक्रोश और विरोध के बाद हमने उनको मजबूर कर दिया ये डिसीजन वापस लेने के लिए। तो उन तक ये खबर पहुंचा दीजिएगा। मैम एक सवाल इधर, मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कमलनाथ एक कैंडिडेट को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप जाइए दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए, उनकी वजह से आपको टिकट नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि यही कांग्रेस की संस्कृति है, खेमों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अगर मैं खेमे गिनाने पर आ जाऊंगी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भाजपा के, तो मुंह छुपाते नहीं मिलेगा इन लोगों को, और आप लोग उंगलियों पर गिन नहीं पाइएगा इतने खेमे हैं। खेमे मत गिनवाइए मुझसे यहां पर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है और डूबते को तिनके के सहारे से इधर उधर के व्यर्थ के फ्रॉड फर्जी वीडियो वायरल कर रही है, करते रहिए ये काम, जनता ने मन बना लिया है, आपको विपक्ष में बुरी तरह से हराकर बिठाएगी। धन्यवाद। नवरात्रि का पर्व है और खुद आप एक शक्ति का रूप हैं। नवरात्रि पर बैठी हुई हर महिला, हर महिला में भी वही शक्ति है नवरात्रि में, और यहाँ पर बैठी हुई इस देश की हर वो महिला आधी आबादी जी शक्ति का स्वरूप बहुत बड़े मैम। ये बात अगर आपके जैसे पुरुषों को और समझ आ जाए तो फिर उनके खिलाफ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि समझ में हर किसी को आता है, कोई जता देता है कोई जताता नहीं। मैं ये कहने वाला था कि सवाल इस विषय पर कम आए जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नवरात्रि में इसका खुलासा हो रहा है। हम अमूमन ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा लेती है और राजनीति करती है। हम आपसे एक जनरल सवाल यही है कि नवरात्रि में ये खुलासा करके इन राज्यों को निपटा कर जीत हासिल करके क्या दीपावली मनाना चाहती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्र में हर श्रद्धालु और हर भक्त जब पूजा करेगा और जब उसको पता चलेगा कि वो गंगा जल पर जीएसटी नहीं दे रहा है तो वो हमें आशीर्वाद जरूर देगा, और उस आशीर्वाद की ताकत से और अपने कामों से अपनी गारंटी के बूते पर हम सरकार बनाएंगे सारे राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, और जगमगाती हुई दीपावली भी मना